जिला महासचिव विनोद यादव ने बताया कि गरीबों के अनाज की कालाबाजारी खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी शशिकांत कुमार की मिलीभगत से अनाज की कालाबाजारी का खेल लगातार जारी है, जिससे गरीब परिवार को जीवन यापन भरण पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारी व माफिया द्वारा कालाबाजारी का खेल लगातार काफी दिनों से चल रहा है, जिसकी शिकायत मैंने कई विभागों में आवेदन देकर थक चुका हूं, लेकिन आज तक सिर्फ कार्रवाई की जगह खाना पूर्ति की गई और लगातार अनाज की कालाबाजारी खेल जारी है, जिससे गरीब परिवार को अनाज सही समय पर नहीं मिल पा रहा है और कार्रवाई की फाइल भी बंद हो चुकी है, लेकिन जिला महासचिव ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। मैं विनोद यादव, जिला महासचिव, पूर्व अतिरिक्त विधानसभा प्रभारी, जनता दल यूनाइटेड है। बोधगया पीडीएस मामले में माननीय कृषि मंत्री कुमार सुरजीत सिंह से शिष्टाचार मुलाकात करते हुए बोधगया की समस्याओं के बारे में सारी बातों को अवगत कराते हुए पूर्व में जो जांच हुई थी उसमें शाखा गया से और बोधगया वार्ड नंबर 2 में अमवा का जन वितरण विधेयका द्वारा फ्री राशन में गरीब गुरुओं को 5 किलो 2 किलो कम दिया जा रहा था, प्रति व्यक्ति 2 किलो, जिस व्यक्ति को 10 आदमी है 50 किलो मिलना चाहिए उसको 40 किलो मिल रहा था, 10 किलो कटौती हो रहा था। दूसरा मामला धनावा का है, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4, अमवा वार्ड नंबर 4 और धनावा वार्ड नंबर 2, 30 किलो की जगह पर धनावा में 15 किलो राशन फ्री वाला दिया जा रहा था और पीला कार्ड वाले को तो 20 किलो काटा जा रहा था। सरकार जनता को जीने के लिए राशन दिया जा रहा है और ये सब खेला एमओ बोधगया शशिकांत कुमार के मिली भगत से सारा खेला हो रहा है, क्योंकि भाई मजिस्ट्रेट के देख रेख में जन वितरण विक्रेता चलता है, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना है। अरे लगातार फ्री वाला राशन जो है कटौती हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है। सरकार के नाम बदनाम करने में लगे हैं पदाधिकारी और डीलर और माफिया, पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है गरीब गुरुओं, इसकी उच्च स्तरीय टीम पटना से जांच किया जाए और शशिकांत कुमार एमओ का सारा मोबाइल टेस्ट करके जांच किया जाए, दलाल माफिया और डीलर से उससे बात होती है और मिली भगत से सारा खेला होता है। ये जो है गरीबों का अधिकार माना जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और केंद्र सरकार जो फ्री वाला 5 किलो वितरण किया जाता है उसमें भी कटौती लगातार हो रहा है, जो फ्री वाला 5 किलो वितरण किया जाता है उसमें भी कटौती लगातार हो रहा है। उन्होंने गरीब अधिकारी एसडीओ साहब को और जिला पदाधिकारी को उसकी लिखित सूचना, जनता लोग भी वार्ड नंबर 2 का जनता जो है कार्डधारी है उसका भी लिखित सूचना मिला है, वहाँ का वार्ड पार्षद गौतम कुमार गुप्ता का भी लिखित सूचना मिला है और वार्ड नंबर 4 विकास कुमार वार्ड अध्यक्ष जो है उसका भी जनता का बयान, उसका उनका बयान, कार्डधारी का बयान और लिखित जिला पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सारा पदाधिकारी को दिया गया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, कहीं न कहीं बड़ा खेला हो रहा है। इसकी बातों को लेकर मैं माननीय मंत्री महोदय से भी रखा और लगातार हम संपर्क में पटना है, मैं अपने सारे सिस्टम को से और सारे कॉपी को माननीय एनएससी सिंह खाद्य उपभोक्ता मंत्री को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहा हूँ और जल्द उनसे एक लिखित पत्र देकर हम सौंपेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और पूरा बोधगया और गया जिला जांच की मांग कराएंगे और जो जांच रिपोर्ट है पूर्व में हुआ था रुकनीय शाखा से जिला पदाधिकारी के द्वारा, वो तो प्रमोद बाबू दावा हुआ है उसको रिपोर्ट जो जितने पर कार्रवाई होनी है उस पर अभी नहीं हुआ है, उस पर भी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। धन्यवाद। मैं विनोद यादव, जिला महासचिव, पूर्व अतिरिक्त विधानसभा प्रभारी, जनता दल यूनाइटेड।